हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की अपकमिंग तेलुगु फिल्म डबल स्मार्ट के बारे में, जो इस वक्त विवादों में है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये मामला है क्या। दोस्तों, मामला है डबल स्मार्ट फिल्म के गाने मार मुंता छोड़ चिंता का, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के एक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर काफी हंगामा मच गया है। भारत राष्ट्र समिति ने इस डायलॉग पर कड़ा विरोध जताया है और फिल्म के मेकर्स से इसे हटाने की मांग की है। उनकी नेता पवनी गौड़ का कहना है कि अगर यह डायलॉग नहीं हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। डबल स्मार्ट एक बेहद चर्चित फिल्म है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में राम पोथिनेनी और संजय दत्त मुख्य भूमिका में हैं। संजय दत्त इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं और उनके किरदार का नाम है बिग बुल। यह फिल्म राम पोथिनेनी की 2019 में आई सुपरहिट फिल्म स्मार्ट शंकर का सीक्वल मानी जा रही है। फिल्म के थिएटर राइट्स पहले ही करोड़ों में बिक चुके हैं और अब मार मुंता छोड़ चिंता गाना रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है। गाने में राम पोथिनेनी और काव्या थापर नजर आ रहे हैं। इस गाने को कसारला श्याम ने लिखा है और इसमें एक खास हैदराबादी स्लैंग का इस्तेमाल किया गया है। गाने को राहुल सिपलीगुंज, धनुंजन सीपना और कीर्तना शर्मा ने आवाज दी है। लेकिन इसी गाने में बीआरएस नेता केसीआर के डायलॉग एन चेडा मंतवु मारी को हुक लाइन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिस पर विवाद हो रहा है। पवनी गौड़ का कहना है कि मेकर्स को यह डायलॉग हटाना होगा, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि मेकर्स इस डायलॉग को हटाते हैं या नहीं। क्या यह विवाद फिल्म की रिलीज पर असर डालेगा? हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, 15 अगस्त को देखना मत भूलिएगा डबल स्मार्ट। उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म भी उतनी ही धमाकेदार होगी जितनी इसकी चर्चा हो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।